महिलाओं में होने वाले आम कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जो है वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जिसे हम आम भाषा में बच्चेदानी का कैंसर कह सकते हैं, या जो गर्भाशय के सबसे निचला हिस्सा है गर्भग्रीवा का उसका कैंसर कह सकते हैं, तो इसका जो डिटेक्शन है ये अर्ली स्टेजेज में बहुत ही रेयरली चांसेस होते हैं। ये थर्ड फोर्थ क्रॉनिक जब कंडीशन हो जाती है तभी इसका डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये कैंसर क्यों होता है, इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में, आज हम उस सबकी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय गो माता वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गोमय सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का कैंसर क्यों होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। यूजुअली जो है ना ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कई महिलाओं में उस कारण से भी होता है। हालांकि अगर ये वायरस आपकी बॉडी में आ गया है तो ये ऑन द स्पॉट कैंसर क्योर कैंसर नहीं बना सकता, इसको कैंसर बनने में भी 10 से 15 साल का समय लगता है। सोचिए कितना लंबा समय है। अब आप चाहे तो उस वायरस को मार भी तो सकते हैं ना, उस वायरस को मारने के लिए क्या ज़रूरी है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होनी ज़रूरी है। तो दूसरा रीज़न क्या हुआ कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, मतलब आपके शरीर में कमज़ोरी है, आप अंदर से जो आपका शरीर है वो कमज़ोर है। यूजुअली जो HIV के पेशेंट्स हैं या किसी क्रॉनिक बीमारी से जो पेशेंट्स चलते आ रहे हैं या जो पेशेंट्स स्टोरेज ज़्यादा लेते हैं, उन पेशेंट का जो इम्यूनिटी लेवल है वो वीक होता है, उस वायरस को किल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर आगे क्रॉनिक स्टेज तक पहुँच जाता है। इसके अलावा क्या कारण हो सकता है, जो महिलाएँ कम उम्र में यौन संबंध बनाती है, फिजिकल रिलेशन बनाती है, उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई महिला कई संबंध बना रही है, कई पुरुषों से संबंध बना रही है, तो भी ये चांसेस होता है सर्वाइकल कैंसर होने की। तो ये सारे तो थे रीजंस। अब क्या होता है कि रीजंस तो हमें पता चल गए, अब बॉडी सिम्टम्स भी तो शो करती है। हर बीमारी होने से पहले शरीर हमारा खुद का शरीर इंडिकेट कर रहा होता है कि ये चीज़ें हमारी बॉडी में आ चुकी है या इससे हमारा बॉडी इफेक्ट हो रहा है। अब उन सिम्टम्स को पहचानेंगे कैसे, तो जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर रिलेशन मेंटेन करने के बाद में कुछ जैसे ब्राउन कलर का या ब्लड कलर ब्लड जैसा रेड कलर का डिस्चार्ज निकलना, इंटरकोर्स के बाद में पेन होना, लोअर एब्डोमिनल पेन ज़्यादा होना, या फिर जैसे पीरियड साइकिल जिसका 28 डेज का हो या 30 डेज का हो। देखिए पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही ठीक है, नॉर्मल बात है, वो तो होना भी चाहिए, क्लिनजिंग हो रही है, लेकिन पीरियड्स आने से पहले 5-7 डेज पहले स्पॉटिंग हो रही है, या फिर कभी भी बीच में 15-20 दिन बाद में अचानक से स्पॉटिंग हो गई, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई, फिर ब्लीडिंग बंद हो गई, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि एस वायरस शायद हमारे बॉडी में अटैक कर चुका है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं सिस्ट तो नहीं है, ओवरी सिस्ट तो नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा वेजनल का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो तो नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। हर क्रॉनिक कंडीशन में जो हमें ये देखने को मिलता है, या एक सिम्टम और जिसे हम कह सकते हैं वो होता है कि योनि में से जब हम यूरिन पास कर रहे हैं उसमें से, या फिर किसी तरह का डिस्चार्ज आना, चाहे ब्राउन कलर का हो या रेड कलर का हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि योनि से मल भी निकलने लग जाता है। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आप समझ लीजिए कि ये थर्ड फोर्थ स्टेज तक आप पहुँच चुका है कैंसर। तो इस समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत किसी भी तरह आप परामर्श लीजिए, संस्थान में संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द चिकित्सा लीजिए। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना ज़रूरी है। अब ये भाई रही बात जो भी हमारे थे सिम्टम्स की, अब ये सारे थे सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि जिनको कैंसर हो चुका है, जिनको सर्वाइकल कैंसर हो चुका है, बच्चेदानी में कैंसर हो गया है, वो कैसे फाइंड आउट करें कि वो एक्यूट स्टेज पे है या क्रोनिक स्टेज पे। देखिए बॉडी हर चीज़ का सिम्टम शो कर रही है। अगर एक्यूट स्टेज पे है तो जो नॉर्मल आपको बताए गए थे सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स शो करेगी, जैसे लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, रिलेशन मेंटेन करने के बाद में पेन हो रहा है, कभी स्पॉटिंग हो गई, अचानक से ब्लड आने लग गया, तो ये या फिर कोई गंदा पानी आने लग गया, कई बार स्मेली डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स शो हो रहा है तो इसका मतलब अभी एक्यूट स्टेज है। अब जब क्रॉनिक स्टेज होगी ना तो बॉडी क्या क्या सिम्टम्स शो करेगी, उस समय क्या होता है कि हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है। यूजुअली लेडीज़ में पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलती है कि पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, स्वेलिंग ठीक ही नहीं हो रही है, कितना भी आपने सब कुछ औषधियाँ ले ली, सब कुछ सेवन कर लिया, लेकिन स्वेलिंग बंद नहीं हो रही है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो गई है। अब इतनी एक्सेस है कि उसे कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, जैसे 10-15 दिन पीरियड्स का ब्लड फ्लो ही नहीं रुक रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद में अचानक से वेट लॉस होना, अक्सर सिर्फ सर्वाइकल कैंसर में ही नहीं, हर कैंसर में पेशेंट्स के साथ देखा जाता है कि सडनली उनका वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी तो है ही नहीं, तो वेट लॉस होना भी नेचुरल बात है। भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है,
आँखों के जो यहाँ पे जो निशान है वो ज़्यादा हाईलाइट होने लग जाते हैं, नींद नहीं आती है, तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये क्रोनिक स्टेजेस में होते हैं। तो अब एक्यूट स्टेज में है या क्रोनिक स्टेज में है या जो भी बॉडी सिम्टम्स शो कर रही है, आप इसे अपने घर पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स हमें फील हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। कैसे इसका उपचार हम नेचुरली करेंगे वो हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। आप घर बैठे भी इसका उपचार कर सकते हैं, आप चाहें तो औषधियाँ लेके भी इसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी और थेरेपी में जाने की हम सलाह इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उससे। हालांकि वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, किस तरह का आप बॉडी का उपचार कराना चाहते हैं, किस तरह से आप इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं। तो इसके अलावा कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, अगर आपकी बॉडी में भी ऐसे सिम्टम शो हो रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आप डायरेक्टली कॉल करके बता सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का किसी को कैंसर है या कोई भी असाध्य रोग है जिसकी चिकित्सा आप संस्थान द्वारा कराना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर छोटी मोटी बीमारी के, इवन कैंसर तक की बीमारी के बॉडी में सिम्टम्स, साइंस के और कैसे किया जा सकता है, नेचुरली तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।